देखिए, एक ही पौधे में तीन टाइप्स के फूल आए हैं, ऑरेंज, रेड एंड येलो। बड़े बड़े हो गए बेर, पांच से दूर हो गए बीर। Hey guys, good morning. कैसे हैं आप लोग? I hope लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ एंड मैं पीरो मस्ती में आपका वेलकम करती हूँ। क्या हो गया मेरे टंग को खड़ा रहा तभी हो गया सुबह। एंड मेरा घर धोबी घाट में बदला हुआ। जा रही हूँ कपड़े धोने, बहुत सारे कपड़े हो गए धोने के लिए क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं धोई। तभी ख़राब चले जा रहा था तो ये बोले छोड़ दो, आज टाइम भी मिला है, फिर टाइम भी नहीं मिलता है पढ़ाई लिखाई में सारा टाइम, फिर इसीलिए फटाफट से धो लेती हूँ। आज नाश्ता वास्ता नहीं बनाना है, टाइम है बचा हुआ, क्योंकि आज नाश्ते में हम लोग का चलने वाला दही चूड़ा। नाश्ता बनाने का झंझट ख़त्म। तो बाकी सोची बाकी सारे काम कर लेते। अभी अब जो है 8 काम भी हो जाएगा फटाफट से। और ये लोग गए हैं, सर और मेरे हस्बैंड गए हैं दूध लाने। फटाफट से सारे कपड़े फूलने के लिए थोड़ा दे देती हूँ। इनके कपड़े तो गंदा होता है ज़्यादा, मैं हम लोग का कपड़ा तो डेली धुलाता है, गंदा होता नहीं है। ये एक कपड़े को 2 दिन पहनते, 3 दिन भी। इसीलिए कपड़े होते हैं ज़्यादा गंदे। रब्बा, आज मेरा घर धोबी घाट में बदला हुआ है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखी हूँ, एक हाथ से इस कपड़े को। चलो कपड़ा धोना अभियान करते हैं चालू। चाय वाय हो गया है हम लोग का, सुबह का छोटा मोटा जो नाश्ता होता है चाय के साथ, बिस्किट वगैरह भी ले लिया है। बस कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी एंड पूजा वूजा पाठ करके पढ़ने के लिए भी बैठूंगी, ये कॉलेज जाएंगे। बस इतना ही लाइफ है। चलिए चलती हूँ फ्रेंड, कपड़े धो के बातें करती हूँ आप लोगों से। ठंड है, बढ़ती जा रहा है बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिन से आप लोग बाहर भी नहीं, बाहर मैं निकलती नहीं हूँ, बहुत कम निकलती। चूड़ा पार्टी, नहीं चूड़ा नहीं पार्टी। सर को खाली नहीं दिखाऊंगी मैं, दही चूड़ा पार्टी। हाथ से खाना है, चम्मच से ना? स्ट्रिक्टेड है क्या? हाँ स्ट्रिक्टेड है सर, स्ट्रिक्टेड है। आपको नहीं दिखाई सर, मैं टेंशन नहीं लीजिए। तो डर होने में नहीं से कहा हुआ है सर, आना पसंद नहीं करेंगे। हम मैडम के साथ रील्स बनाते हैं, तकनी हम तक बनाते हैं तो वो बना लेती है। खा के बातें करते दही चूड़ा खाने के बाद। देखिए हीरो को मस्त लग रहे, किसी की नजर ना लगे। हीरो माफिक एकदम रेडी है।
कॉलेज जाने के लिए और आज कॉलेज में डांट सुनने के लिए। बल्ले बल्ले ये सर है, सर को भी दिखा दिया मैंने। ये मैडम बोलेंगे दूसरा हीरो कौन है। जूता में पॉलिश वोलिश किया जा रहा है, बूट वूट पहन के चूड़ा पार्टी होने के बाद पता चले कॉलेज में नींद आने लगे। मजे से सब खा लिए दही चूड़ा। बाप रे हवा कितना जोर चल रहा है, मम्मी ठंड बढ़ाए। दोपहर के बाद ना मफलर ले जाना पड़ेगा, तो डिक्की में रखा कीजिए ना। चलिए गड्डी की चाबी मैं ही चला क्या। बॉडी लोशन चाहिए मिस्टर जी को। बॉडी लोशन मेरा आदत है उधर जाने का, भूल ही जाती हूँ। ड्रेसिंग टेबल पे लीजिए सब चीज। आइए बाय बाय मिस्टर जी, निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। बाय। बाहर धूप तो अच्छा है, बैठने का मन करता लेकिन बाहर कौन बैठेगा इसे सुनसान में। सारा काम तो हो गया है, लगा देती हूँ बाहर में ताला। बाहर हमेशा ताला ही लगा के रखती हूँ क्योंकि ये गेट कुंडी वाला होता तो अच्छा होता। ऐसा है, ताला लगाना मस्त है। काम तो मेरा हो गया है सब कंप्लीट आज बहुत जल्दी, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना नहीं था। लेकिन बहुत सारे कपड़े भी तो धोए घर को, आज धोबी घाट बना रखा था मैंने। ये रूम है दूसरा रूम जिसमें सर रहते हैं। लाइट बंद कर देती हूँ इस रूम का, लगा देती हूँ क्योंकि बिल्ली है ना। कहती हूँ आज थोड़ा छत पे घूमूंगी, काफ़ी दिन हुआ टाइम मिला मॉर्निंग में छत पे घूमने का, फिर वो कभी घुमा बट बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है। आप छत पे ही पढ़ू लेकिन हवा बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स एक चीज़ और दिखाती हूँ, फूल देखिए। एक ही पौधे में तीन टाइप्स के फूल आए हैं, ऑरेंज रेड एंड येल्लो। एक ही पौधे में तीन तरह का फूल आ रखा है। और इधर ये जो आ रहा है बैंगनी आ रहा है, ग्रीन कलर का बताइए फूल आ रहा है। इसमें आ रहा है ग्रीन कलर का फूल। ऐसा फूल मैंने पहली बार देखा है। एक ही पौधे में तीन तरह का, ये कौन सा फूल है जो कि खिल रहा है अभी। इधर पूरा शांति शांति है, उधर में रहता है बंदर बहुत सारे, मतलब मंकीज रहते हैं। कपड़े जो कि मैंने, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बेर का पेड़, काफ़ी बड़े बड़े हो गए बेर, बहुत से दूर हो गए बेर। तो सुंदर लग रहे हैं। उधर देखिए पेड़ के ऊपर सीम फला हुआ, बहुत सारा सीम फूल दिया है, सीम भी है, इतना ऊपर चढ़ गया है बाप रे।
पूरा घना फैल रहा है। यही नीचे होता तो खाने के लिए होता। ये खाली खेत काय किसी ने बांध दी है खेत में। बहुत सुंदर लगता है यहाँ, एकदम शांति पीसफुल, आराम से रिलैक्स माइंड होता है यहाँ आने के बाद। इस साइड देखने पे तो और अच्छा लगता है। आम के बगीचे हैं फ्रेंड्स, ये पूरा इस जितने भी पेड़ आपको दिख रहे सब आम है। आम 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 ये तो कपड़े डाल रखे हैं, ये जाली। यहाँ से हम लोग जाते थे खेत में, मन कर रहा है जाओ खेत में बैठ अकेले कौन जाएगा। बादल जैसे लगा रखा हल्का। चलिए जाती हूँ, पढ़ती लिखती हूँ, नहीं ना आप लोगों से करूँगी बातें। फाइनली पढ़ाई हो गया खत्म, दोपहर भी हो गया, 1 बज गया। खाना बनाती हूँ, जा रही हूँ आज मैं दोपहर के खाने में बनाने तड़का रोटी। तड़का बना लिया, मतलब दाल बॉईल कर लिया है, खाली उसको छौंकना बाकी है। रोटी ये लोग भी नहीं आए, बना लेती हूँ, आ जाएंगे ये लोग भी। हाँ फाइनली हो गया है अभी रात, एंड ये हस्बैंड जी भी आ गए कॉलेज से। रात हो गया तो आ ही जाएगा, तो शाम में ही आ जाते हैं। ये टोपी वाले आदमी आते ही फ़ोन चलाने लगते हैं। मैं भी पढ़ उड़ के उड़। अभी हम लोग ने खाना नहीं खाया है, खाना खाएंगे थोड़े देर में। देन अब तो ब्लॉग में दिखाने के लिए फैंस कुछ नहीं है, जाते हैं खाना पीना खा के बस सोना है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तक लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।